Welcome to the class. Good afternoon, all of you. Today I am going to discuss with you all about rimming and boring. तो चलिए आज जानेंगे रिमिंग क्या है, बोरिंग क्या है, रिमिंग कैसे किया जाता है, वो सब चीज़ जानेंगे. बोरिंग कैसे, अलग अलग उसका मशीन क्या है, सब जानेंगे आज. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. इससे पहले लेक्चर में डिस्कस किया गया था ड्रिलिंग के बारे में, उसका ड्रिलिंग ऑपरेशन, प्रोसेस, टाइप्स, टाइप्स ऑफ ड्रिल्स, टाइप्स ऑफ ड्रिल मशीन्स. उसके बाद सेकंड लेक्चर में दिया गया था आपका कटिंग पैरामीटर्स ऑफ ड्रिल बीट्स, दैट इज़ अ ट्विस्ट ड्रिल, कटिंग पैरामीटर्स ऑफ ट्विस्ट ड्रिल और ड्रिल बीट. तो इसमें बेसिकली अभी जानेंगे रिमिंग. ठीक है, तो रिमिंग क्या है? रिमिंग एक प्रोसेस है जो कि आफ्टर ड्रिलिंग किया जाता है. ओके, लाइक आप ड्रिल, आप सबसे पहले एक ड्रिल आपको करना होगा किसी प्लेट में. मानिए आप एक एमएस प्लेट आपको दिया गया है. ओके, एक एमएस प्लेट आपके पास है. ओके, तो आपको बोला कि सेंटर में, एकदम सेंटर में, ठीक है, एकदम सेंटर में उसको एक होल बनाना है. डायमीटर प्रोवाइड कर दिया गया, स्पेसिफिक पर्टिकुलर डायमेंशन दे दिया गया. ठीक है, एक डायमेंशन आपको प्रोवाइड कर दिया गया. तो अब ये ड्रिल तो आपने कर लिए. ओके, ड्रिल आपने कर लिए, लेकिन होता क्या है ना, आफ्टर ड्रिलिंग के बाद जो सरफेसेस होते हैं, ड्रिल का सरफेस होता है, बराबर नहीं होता है, एब्रप्ट होते हैं, बहुत सारा रेगुलर सरफेस नहीं जनरेट हो पाता है ड्रिलिंग के बाद. ठीक है, और थोड़ा फिनिशिंग नहीं आता. तो फिनिशिंग टच देने के लिए, थोड़ा स्मूथन करने के लिए और थोड़ा एनलार्ज करने के लिए रिमिंग प्रोसेस किया जाता है. तो रिमर एक टूल होता है, स्ट्रेट फ्लूटेड जो कटिंग एज होता है, जिसका मल्टी पॉइंट टूल, जो कि ड्रिलिंग भी एक मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है, रिमिंग भी एक मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है. मल्टी पॉइंट कटिंग टूल मीन्स जैसे कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है, सिंगल पॉइंट मीन्स जैसे कि लेद का कटिंग टूल होता है, वी टूल, साइड कटिंग टूल, वो एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है. जैसे कि वी टूल में, कैसे क्या होता है, ठीक है, वी टूल में क्या होता है, वी टाइप टूल में, और ये आपका साइड कटिंग टूल. ठीक है, साइड कटिंग टूल में क्या होता है, ये पॉइंट जो दिख रहे हैं आप, ये हो गया सिंगल पॉइंट, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल. मतलब एक ही पॉइंट से उसको, एक ही कटिंग एज द्वारा उसको काटा जाएगा, उसका मटेरियल रिमूवल होगा. लेकिन जो ड्रिल बिट होते हैं, जो रिमर होते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें जो नंबर ऑफ कटिंग पॉइंट्स रहता है, नंबर ऑफ कटिंग पॉइंट्स, जो फ्लूटेड, देखिए इस टाइप का फ्लूटेड था जो आपका एज था, और जो पॉइंट था नीचे, जो पॉइंट था जो कि 11 आपका 118 डिग्री है, ठीक है, 118 डिग्री एंगल में होता है. ओके, तो ये जो पॉइंट है, कटिंग एजेस होता है, ठीक है, ये आपका नंबर ऑफ, मतलब 2-3 ऐसा होता है, तो इसीलिए इसको मल्टी पॉइंट कहा जाता है. एक से ज़्यादा कटिंग एज होगा और कटिंग पॉइंट होगा तो मल्टी पॉइंट उसको कहा जाता है, टूल को, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल. तो रिमिंग क्या है, रिमिंग इज अ प्रोसेस ऑफ enlarging a hole or finished hole. ये होल क्रिएट नहीं करता, इसको फिनिश्ड होल चाहिए, उसको एनलार्ज करने के लिए, स्मूथन करने के लिए, और स्मूथन ऑफ ए होल, और ओके, दिस इज द प्रोसेस एक्चुअली. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिमर्स होते हैं, वो आप देखेंगे. ठीक है, सबसे पहले जो रिमर है, स्ट्रेट रिमर, ठीक है, स्ट्रेट रिमर क्या होता है, स्ट्रेट रिमर नॉर्मली जो आपका स्ट्रेट टाइप का, बेसिकली नाम से ही पता चल रहा है, जो सैंक रहता है इसका, वो स्ट्रेट सैंक तो रहता ही है, जैसे ड्रिल बिट का भी सैंक स्ट्रेट सैंक है, लेकिन जो फ्लूटेड पार्ट, बॉडी जो रहता है वो स्ट्रेट रहता है, बॉडी जो इसका रहता है वो
स्ट्रेट रहता है, फिर बीच में स्ट्रेट फ्लूटेड कटिंग एज दिया जाता है इस टाइप का। तो ये हो गया आपका स्ट्रेट रीमर, इस टाइप का दिखता है, ठीक है, स्ट्रेट रीमर। दिस इज कॉल्ड रीमर। अब देखते हैं नेक्स्ट, हैंड रीमर है, ठीक है, टाइस में आते हैं, जो कि उसमें हैंड रीमर भी, उसको हैंड रीमर, इसको हैंड, इसको भी हैंड रीमर बोलते हैं। मैसिन रीमर, हैंड रीमर अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली हैंड रीमर, इसको भी बोलेंगे हैंड रीमर, जो कि आप हैंड रीमिंग प्रोसेस कर सकते हैं, डाइस और रेंच में फिट करके इसको रीमिंग प्रोसेस आप कर सकते हैं, हैंड रीमर, सेम एज स्ट्रेट रीमर, ओके। देन मैसिन रीमर, मैसिन रीमर मतलब मैसिन रीमर जो कि मैसिन से फिट हो करके, जैसे कि नॉर्मली बताते हैं आपको, ये टाइप्स मैं बता रहा हूँ, ठीक है, इसमें उतना एक्सप्लेन करने वाला कुछ है नहीं। मैसिन रीमर, मैसिन रीमर तो जैसे कि ड्रिल बीट, आपको एक ड्रिल बीट दिया गया है, आपको बोला गया है कि आप नॉर्मली जिग्स की मदद से उसको ड्रिल करिए, एक होल बनाइए, तो आप कर सकते हैं, जैसे कि लेद में होता है, ठीक है, टेलस्टॉक में ड्रिल बीट को फिट करके और चाक को घुमा के फिर आप उसमें होल कर सकते हैं, होल क्रिएट कर सकते हैं। और आपको बोला है कि मशीन में बनाइए, मशीन में मतलब टूल को रोटेट करवाना है, टूल को रोटेट करवाना है, तो वो भी होगा, आप ड्रिल मशीन में फिट कर दीजिए, ड्रिल चाक के द्वारा कि ड्रिल सॉकेट के द्वारा उसमें आप कर सकते हैं, इसको टूल को घुमा के, ड्रिल बिट को घुमा के, रोटेट करवा के होल क्रिएट कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड मैसिन रीमर। मैसिन में अगर कोई मैसिन में रीमिंग टूल को फिट कर देते हैं तो जो प्रोसेस होता है, जिसके वजह से जो रीमिंग प्रोसेस क्रिएट होता है, तो उसी को बोलेंगे मैसिन रीमर से ही होता है, ठीक है। उसके बाद सेल रीमर, बहुत सारा रीमर है, ठीक है, मैं खाली टाइस बता रहा हूँ। सेल रीमर, रीमिंग में सिलेबस में आप लोगों के पास ज़्यादा कुछ है नहीं, खाली नोमेनक्लेचर और रीमिंग टूल है, नोमेनक्लेचर आप खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। उसमें आपको जैसे कि मैंने ट्विस्ट ड्रिल का नोमेनक्लेचर आप लोगों को दिखा दिया कैसे करना है, बेसिकली मैं एग्जाम में वही सब ज़्यादा आता है। अगर बोला कि आपको रीमिंग टूल ड्रॉ करके दिखाइए, हैंड रीमर और स्ट्रेट रीमर ड्रॉ करके दिखाइए, तो इस टाइप का ड्रॉ कर दीजिएगा बस, और लेवलिंग कर दीजिएगा, ये आपका सैंक हो गया, बॉडी हो गया, दिस आर द फ्लूट एरिया, दिस इज द फेस, दिस इज द कटिंग एज, दिस आर द कटिंग एज, ये आपका कटिंग एज भी है, बीच में स्लॉटेड एरिया जो है उसको फ्लूट बोलेंगे, ठीक है, सेल रीमर, ओके। नेक्स्ट टैपर रीमर, सेल टाइप का रहता है, बॉक्स टाइप का रहता है, ज़्यादा ज़्यादा गैप रहता है, ठीक है, बीच में ज़्यादा गैप रहता है रीमर का, इसीलिए उसको सेल रीमर बोलते हैं। तब फिर टैपर रीमर, तो टैपर रीमर इसमें क्या होता है, उसमें कुछ नहीं, टैपर जो रहता है इसका जो ओपनिंग एज रहता है, जो ये उसका जो मुंह रहता है, ये जो पोर्शन रहता है पॉइंट, और दिस इज द बॉटमिंग पोर्शन, ये थोड़ा सा ऊपर तक कहीं डिस्टेंस तक टैपर रहता है, ठीक है। टैपर रीमर में ये कुछ पोर्शन, ओके, ये कुछ पोर्शन आपका लाइक इस टाइप का कुछ रहता है, इस टाइप का कुछ रहता है, ओके, दिस इज कॉल्ड टैपर रीमर, ओके। तो ये हो गया आपका रीमिंग टूल, डिफरेंट रीमिंग टूल, स्ट्रेट रीमर, हैंड रीमर, मैसिन रीमर, सेल रीमर, टैपर रीमर। तो रीमिंग प्रोसेस यहीं पे ख़त्म होता है, मतलब आपको इससे ज़्यादा वास्ट कुछ सिलेबस में है नहीं समझाने के लिए, खाली मैंने तो टाइप भी बता दिए, लेकिन सिलेबस में इतना कहा गया था, इंट्रोडक्शन रीमिंग टूल और नोमेनक्लेचर ऑफ रीमिंग टूल, दैट्स इट। तो बस ये सब करना है, सब जानना है, बस रीमिंग क्या है ऑपरेशन, ये जानना है। अगर हो सकता है आपको 2.5 नंबर का या फिर 5 नंबर का दिया जा सकता है कि व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ रीमिंग कॉल्ड, उसमें आपको रीमिंग प्रोसेस डिफाइन करना है और एक ड्राइंग कर देना, फिगर बना देना है कि हाँ ये रीमिंग टूल है। इसलिए बोरिंग क्या है, नेक्स्ट प्रोसेस में बोरिंग जानते हैं, बोरिंग क्या है। तो जैसे मैंने रीमिंग बताया, रीमिंग क्या है, अब बोरिंग क्या है वो मैं बताने जा रहा हूँ। कुछ नहीं, बस सिंपल सा एक ऑपरेशन है, ओके, सिंपल सा एक ऑपरेशन है, जैसे कि रीमिंग का, रीमिंग जैसा था वैसे ही एक ऑपरेशन है। इसमें बोरिंग टूल से बोर किया जाता है आफ्टर, ये भी क्या है, मेन जो है बोरिंग ही, एक्चुअली आप कह सकते हैं कि एनलार्जिंग ऑफ ए होल, एनलार्जमेंट ऑफ ए होल। तो बोरिंग इज ए ऑपरेशन
ऑफ एनलार्जिंग ऑफ ए होल और प्रीडिफाइंड होल, प्रीडिफाइंड होल। तो बेसिकली बोरिंग इसी को बोलेंगे, बोर करना मतलब बोर, बोर वेल पता होगा ठीक है, जैसे कि बोरिंग मशीन से बोर वेल बनाया जाता है, वैसे ही मेटल के अंदर जो एक गड्ढा पहले बनाया होता है, प्रीडिफाइंड जो होल होता है, उसी को एनलार्ज करना है, सही ढंग से एक सही शेप देना है बस, ठीक है। तो बेसिकली जैसे नॉर्मली आपके पास ये शाफ्ट है, शाफ्ट में जैसे के लिए जैसे आपने इस इतना साइज का आपने होल बनाया है, ठीक है, ये होल आपका, ये डायमीटर मानिए 10 mm का आपने इतना डेप्थ तक आपका होल है, ठीक है, इतना डेप्थ तक आपका होल है। तो आपको इसको एनलार्ज करना है तो क्या करेंगे, बस बोरिंग टूल का इस्तेमाल करेंगे, इतना ही डेप्थ तक आपको एनलार्ज करना है, तो बोरिंग टूल का इस्तेमाल करके आप इसको एनलार्ज कर सकते हैं। ओके, दिस इज द प्रोसेस एक्चुअली, बस नथिंग एल्स। तो ये हो गया आपका बोरिंग ऑपरेशन। तो बेसिकली जो बोरिंग आपका टाइप्स होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोरिंग मशीन होते हैं, तो बेसिकली बोरिंग टूल का वो भी सिंगल पॉइंट कटिंग टूल ही होता है, बोरिंग टूल जो होता है, ठीक है, नॉर्मली जो एक बार में फिट रहता है, दिस टाइप ऑफ टूल यू कैन सी वेरियस टाइप ऑफ बोरिंग ऑपरेशन। ओके, तो एक बार में फिट रहता है, बार में लाइक इस टाइप का कुछ, इस टाइप का भी टाइप का कुछ ऐसे फिट रहता है। ओके, दिस टाइप ऑफ टूल यू कैन सी इन बोरिंग ऑपरेशन। तो ये हो गया बोरिंग टूल, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल आपको देखने के लिए मिलेगा, इसमें मल्टी पॉइंट नहीं होता है। अब फिलहाल आ गया है मार्केट में तो हो सकता है, ठीक है, लेकिन जो बेसिकली होता है, जो फंडामेंटल है इसका, वो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल ही है। तो बोरिंग में ये बोरिंग ऑपरेशन मैंने डिफाइन कर दिया, अब उसके बाद देखते हैं चलिए बोरिंग मशीन क्या क्या होता है। तो बेसिकली सर बोरिंग मशीन में जो होता है, जिसके द्वारा आप बोरिंग कर सकते हैं, बोरिंग ऑपरेशन कंप्लीट कर सकते हैं, तो बोरिंग मशीन, ओके, तो बोरिंग मशीन, जिस मशीन के द्वारा या फिर जिस मशीन टूल के द्वारा आप बोरिंग मशीन को कंप्लीट कर सकते हैं, उसी को बोरिंग मशीन बोलेंगे। चलिए तो शुरुआत में हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन, हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन बेसिकली देखिए, हॉरिजॉन्टल बोरिंग स्पेशली पर्टिकुलर बोरिंग मशीन भी रहता है, और अगर बात करें तो हम लेद मशीन को भी बोरिंग मशीन कह सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि लेद मशीन में एक लाइव सेंटर होता है, ठीक है, जिसमें कि चाक फिट रहता है, ओके, और जॉब फिट रहता है, और एक डेड सेंटर होता है। तो डेड सेंटर का यहाँ पे कुछ काम नहीं, बेसिकली जो टूल पोस्ट बीच में होता है, जो टूल पोस्ट आपका बीच में होता है, उसी में आपको फिट करना होता है बोरिंग टूल। फोर वे टूल पोस्ट होता है बेसिकली, तो उसमें एक वे में आपको फिट करना होता है बोरिंग टूल, और स्ट्रेट वाइज, ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल टू द जॉब, ओके, टवर्ड्स टू द जॉब, इस डायरेक्शन में फिट करना होता है। तो फिट करके आप जो प्रीडिफाइंड होल है, जो कि टेलस्टॉक में बीट को फिट करके जो पहले आपने होल बनाया है, ठीक है, लेद में भी ड्रिलिंग होता है, लेद में बोरिंग होता है, लेद में रिमिंग भी होता है, ठीक है, तो जो होल पहले डिफाइंड किया हुआ होल है आपको, वो आप सीधा से ले जाके उसमें इंटरनल होल आप उसमें जनरेट कर सकते हैं, इंटरनल होल को आप एनलार्ज कर सकते हैं। बोरिंग इज अ ऑपरेशन ऑफ जनरेटिंग इंटरनल होल्स, एनलार्जिंग द इंटरनल होल्स, ओके, बोरिंग इज एन ऑपरेशन ऑफ एनलार्जिंग द इंटरनल होल्स, इंटरनल स्ट्रक्चरल होल को आप जनरेट एनलार्ज कर सकते हैं, एक्सटर्नल पोर्शन को नहीं कर सकते हैं, एक्सटर्नल के लिए आपको टर्निंग की जरूरत है, उसको टर्निंग बोलेंगे, दैट इज नॉट कॉल्ड बोरिंग, ओके, दैट इज कॉल्ड टर्निंग।
तो ये हो गया आपका लेद मशीन के जरिए आप कर सकते हैं। और हॉराइजेंटल जो बोरिंग मशीन होता है वो भी बेसिकली इसी टाइप का दिखता है, हॉराइजेंटल दिखता है, लेकिन इसमें डिफरेंस एक होता है कि जो लेद मशीन होता है उसमें आपका जॉब मतलब जो बांधा होता है ग्रिप्ट होता है जो चाक में, वो घूमता रहता है, रोटेट करता रहता है और टूल आपका स्टेशनरी रहता है, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल जो बोरिंग मशीन होता है, ठीक है, ये आपका लेद का मैंने बताया, और हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन जो होता है उसमें आपका जो जॉब है वो फिक्स रहता है, टूल घूमता रहता है, टूल को घुमाया जाता है, ठीक है, टारेट चाक भी होता है, कुछ अटैचमेंट के जरिए उसको घुमाया जाता है और जॉब लॉन्गिट्यूडनल टू द जॉब हॉरिजॉन्टली उसको ट्रैवल करवाया जाता है जॉब की तरफ, ताकि उसको जाके जॉब फिक्स रहे और घूम के उसको काट सके। बेसिकली जो होता है बोरिंग में टूल फिक्स रहता है, बोरिंग ऑपरेशन में बेसिकली जो होता है टूल फिक्स रखा जाता है और जॉब को घुमाया जाता है, क्योंकि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल जैसे ड्रिल बिट अगर होता है तो उसको घूम के आप जॉब फिक्स्ड है, आप टूल को घुमा रहे हैं तो काटते जा रहा है और मेटल रिमूव होता जा रहा है कंटिन्यूसली, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें जॉब आपका फिक्स्ड है, सॉरी जॉब आपका रोटेट कर रहा है और टूल आपका फिक्स्ड है, स्टेशनरी है। तो यही एक होता है बेसिकली लेद वाला जो होता है उसी को आप हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन बोल सकते हैं, लेद मशीन को ही हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन आप बोल सकते हैं, क्योंकि बोरिंग ऑपरेशन वहाँ पे भी परफॉर्म किया जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने अब फिर से बता रहा हूँ, आपका जॉब जो है रोटेट करता है, टूल फिक्स रहता है, रोटेटेबल जॉब को वो मटेरियल रिमूव करता रहता है टूल के जरिए। ये हो गया हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन। नेक्स्ट आपका है वर्टिकल बोरिंग मशीन। ओके, वर्टिकल बोरिंग मशीन में क्या है कि वर्टिकल बोरिंग मशीन में क्या है कि जो मैंने हॉरिजॉन्टली बताया वो चीज़ें, वो सब चीज़, वो सब अटैचमेंट क्या होता है वर्टिकल में रहता है। इसमें कुछ नहीं, बस एक क्रॉस रेल रहता है जिसमें एक टेबल नीचे एक टेबल रहता है, टेबल फिटेड रहता है और सर्कुलर टाइप का एक टेबल रहता है जिसमें कि जॉब फिट रहता है, और एक क्रॉस रेल रहता है जैसे कि होता है ना स्लाइडिंग रेल्स जिसको बोलते हैं, स्लाइडिंग रेल्स मतलब एक इस टाइप का कुछ लगा रहता है जिसकी ये दो पिलर के ऊपर वो स्लाइड करता रहता है, अप एंड डाउन मोशन देता रहता है, ठीक है, टूल को लेके बीच में आपका टूल फिट किया हुआ रहता है, ठीक है, बीच में आपका टूल जो है फिट किया हुआ रहता है। तो बेसिकली ये हो गया आपका वर्टिकल बोरिंग मशीन, जिसमें क्या होता है ना जो आपका जॉब है जो वो टेबल के साथ, टेबल घूमता है तो जॉब भी घूमता है, और ये टूल का काम बस इतना ही रहता है, वो खाली फीड देता है, वर्टिकली उसको फीड देना होता है, वर्टिकली उसको खाली फीड देना होता है ताकि वो डेप्थ ऑफ काट दे सके। ओके, तो दिस इज कॉल्ड वर्टिकल बोरिंग मशीन। बस बोरिंग मशीन ये हो गया। इस लेक्चर में ट्रिमिंग एंड बोरिंग मशीन की मैंने बात की है, प्रोसेस की बात की है क्या है। अब नेक्स्ट लेक्चर में बस बचा रहेगा जो बोरिंग ऑपरेशन की काउंटर सिंक एंड काउंटर बोर, वो तो मैंने डिस्कस करूँगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।